बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीबी अमीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गौर्स क्लब मैथमेटिक्स सीरीज ग्रेड 4। द यूनिट इज 9। द टाइटल ऑफ यूनिट 9 इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यूनिट 9 में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होते हैं देखते हैं। अ बार ग्राफ इज अ स्पेसिफिक वे टू रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स इन विच द लेंथ ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट्स रिप्रेजेंट्स। वो कहता है ग्राफ बार जो होता है एक खास तरीका होता है किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का रेक्टेंगुलर बार्स में, जिसमें उसकी जो ईच लेंथ होती है बार की वो प्रोपोर्शनल होती है किसके वैल्यू इट्स रिप्रेजेंट, जो वैल्यू इसकी रिप्रेजेंट हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होती है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये हम ग्राफ की सूरत में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, जिसमें डिफरेंट हाइट्स की बार्स को यूज करते हैं। इन रियल लाइफ बार ग्राफ्स आर कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट बिजनेस डाटा। कहता है हमारे रियल लाइफ में जो बार ग्राफ है वो बहुत कॉमन यूज होते हैं किसी भी बिजनेस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ के टाइप्स कौन सी होती हैं? इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक वर्टिकल बार ग्राफ और एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वो कह रहा है टू मेक अ वर्टिकल बार ग्राफ, अगर आप वर्टिकल बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं प्लेस अ स्केल अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के आप रखें एंड द आइटम्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और आइटम्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख दें। अब वो कहते हैं आए हम देखते हैं कैसे बार ग्राफ बनता है। ये देख लें, अब बार ग्राफ यूजेस बार्स टू रिप्रेजेंट डाटा। एक बार ग्राफ होता है वो क्या करता है बार को यूज करते हुए डाटा को रिप्रेजेंट कराता है। द स्केल टेल अस हाउ मच और हाउ मेनी ईच बार स्टैंड्स फॉर। कहता है जो स्केल होता है हमें बता रहा है कि उसकी वैल्यू असल में क्या है। अब वो कह रहा है अगर आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं वर्टिकली तो कहता है एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। वो कहता है हारिस फाउंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द ईस्ट स्पीशीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर स्पीशीज के उसने टॉलेस्ट ट्री का एक इन्फॉर्मेशन हासिल की है। तो वो कह रहा है उसको डाटा को उसको अरेंज करके ऑर्गेनाइज किया, एक तरफ ट्रीज का लिख दिया और एक तरफ उनकी हाइट लिख दी है। अब वो कह रहा है कि अगर आप वो बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे तो उनकी हाइट्स को आप वर्टिकली लिख देंगे और जो उसका जो ट्रीज के नेम्स है वो आप हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। वो यही लिखा हुआ है ड्रा अ लेबल स्केल ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ये हमने कर दिया अप टू डाउन, और इसी तरीके से ड्रा एंड लेबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो लिस्ट द नेम ऑफ ईच आइटम, हमने आइटम्स के नाम लिख दिए। ड्रा वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डाटा, वर्टिकल बार्स हम करेंगे किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? अगर आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हिना डिस्प्ले अ डाटा ऑन द राइट इन अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। उसने ये डाटा उसने एक बार ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, उसे लेंथ ऑफ सम डायनासोर दी हुई है। अब वो कह रहा है कि ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑन ग्रिड पेपर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस ग्रिड पेपर पे बनाए। यूज डाटा फ्रॉम द टेबल टू चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल। ठीक है, अब वही आप वो चूज करें डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल चूज करें जो कि अप्रोप्रिएट स्केल का हो। द डेटा रेंज फ्रॉम 26 to 82। ठीक है, ये देखिए मिनिमम 26 है, मैक्सिमम 82 है। तो वो कह रहा है कि आप 10 का इंटरवल रख सकते हैं। ड्रा एंड लेबल द स्केल अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू आप क्या करें लेबल और स्केल का ड्रा करें और स्टार्ट करें किसे जीरो से। लेबल द वर्टिकल एक्सिस दिस द नेम ऑफ द ईच डायनासोर, हर डायनासोर का नाम आप इधर वर्टिकल रख दें। अब कह रहा है ड्रा हॉरिजॉन्टल बार्स टू रिप्रेजेंट ईच लेंथ, मेक द बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। कहता है जो इक्वल विड्थ के हैं आप उसको वहां तक लेके जाके एक्सटेंड करके आप छोड़ दें, तो इससे हमें इसका हमें क्या हाइट का डाटा लेंथ का डाटा मिलता जाएगा। राइट अ टाइटल फॉर योर बार ग्राफ, तो कहता है टाइटल ऑफ बार ग्राफ इसका लिख दें कि टाइटल क्या है, वाई लेंथ ऑफ सम डायनासोर हमने लिख दिया। एग्जाम्पल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यूज द बार ग्राफ अबव। ठीक है, आप बार ग्राफ को ऊपर ऑब्जर्व करते हुए तो ये नीचे गए व्हाट डाटा आर अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कहता है वर्टिकल एक्सिस पे क्या डाटा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या डाटा है। वो कहता है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे द नेम ऑफ डायनासोर आर गिवन, डायनासोर के नाम दिए गए हुए हैं। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उनकी लेंथ दी गई हुई है। व्हिच डायनासोर हैव द लेंथ बिटवीन 30 and 40 feet। कहता है 30 और 40 feet के दरमियान कौन से डायनासोर जो लेंथ रख रहा है, तो 30 और 40 के दरमियान ये देखें ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो एलोसोरस एंड टायरेनासोरस ये जो हैं ये दो डायनासोर हैं जिनकी लेंथ 30 और 40 के दरमियान में आ रही हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ, बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो कहता है सम प्रॉपर्टीज डेट मेक अ बार ग्राफ यूनिक। कहता है कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बार ग्राफ को यूनिक बनाती हैं एंड डिफरेंट और अलग करती हैं दूसरों से फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ, जो कि दूसरे टाइप्स के ग्राफ हैं उनसे डिफरेंशिएट कैसे करता है। ऑल रेक्टेंगुलर
bars should have equal width. कहता है सबकी width equal होनी चाहिए and should have equal space between them. और इनके दरमियान में फासला भी same होना चाहिए. The rectangular bar can be drawn horizontally or vertically. कहता है ये vertical भी कर सकते हैं और horizontally भी कर सकते हैं. Height of rectangular bars is equivalent to the data they represent. कहता है height of जो rectangular bars है वो किसके बराबर होती है, वो उसके बराबर होती है जो data में represent कर रहा होता है. Rectangular bars must be on a common base. वो कहता है वो उसकी base क्या हो, common होनी चाहिए. जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.